प्रधानमंत्री के दफ्तर विच राज मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लोक सभा विच प्रश्नकाल दौरान जानकारी दिंदियां कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 तो बाद क्रांतिकारी फैसले लए ने। उन्होंने कहा कि अज परमाणु ऊर्जा और पुलाड़ खेत्र विच भारत पहली श्रेणी के देशों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि साड़ी उन्नति ना सिर्फ उन्होंने पद्धर की है बल्कि साढ़े वालों की गई खोज का लाभ वह देश भी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैनू यह जानकारी दिंदियां खुशी हुई है कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने पुलाड़ विभाग पब्लिक प्राइवेट हिस्सेदारी लिए ज़्यादा बजट दिता उस तरह परमाणु ऊर्जा विभाग में भी सांझे कामों लिए भी साल 2016 एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि देश के चार प्रमुख वैक्सीन ट्रायल पद्धर ते ने। प्रधानमंत्री जी ने अनेकों ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं कि आज एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत प्रथम श्रेणी के देशों में आकर के खड़ा हो गया है। न केवल हमारी प्रगति उसी स्तर की है बल्कि हमारे द्वारा किया हुआ शोध का लाभ वो देश भी उठाते हैं। जहां तक इनका कहना है कि पर्याप्त बजट की एलोकेशन नहीं है तो मुझे खुशी है ये साझा करते हुए कि जिस प्रकार से अंतरिक्ष विभाग को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए इजाजत दे दी थी उसी प्रकार एटॉमिक एनर्जी के विभाग में भी जॉइंट वेंचर्स के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए सन 2016 में निर्णय लिया गया।